हेलो दोस्तों मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्विडियोट कम्युनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्वेंटी सिक्स ऑफ दिसंबर यानी मंडे को हमें लाइव मार्केट में कैसे अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना और उसके बेसिस पर हमें ट्रेड लेना है तो हमारे सामने जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा मार्केट में उन सब को देखते हुए हमें कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना कौन सा स्ट्रेटज इस्तेमाल करना और कौन सा ट्रेडिंग सेटअप लेना उन सबके ऊपर बात करेंगे तो चलिए लाइव मार्केट में चल के हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पे देखिए मार्केट हमारा ओपन हो गया और मार्केट ओपन हुए लगभग पांच से छह मिनट हो चुके हैं अब यहां पे क्या हुआ मार्केट हमारा सेवेंटीन थाउजेंड एट सिक्सटी के करीब हमें पहुंचता हुआ दिख रहा है तो सबसे पहले यहां पे हम एक ट्रेडिंग पोजीशंस एग्जीक्यूट कर लेते हैं यानी यहां पे सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी फाइव के करीब मार्केट आया तो हमें यहां पे मार्केट में एंट्री करना क्यों एंट्री करें उसके ऊपर बाद में बात, बात करेंगे सबसे पहले यहां पे हम एंट्री ले लेते हैं उसके बाद हमें यहां पे क्या करना है हमें यहाँ पे अपना एक एस लगाने की जरूरत है तो एस के ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले टारगेट सेट कर लेते हैं सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड हमारा पहला टारगेट प्राइस होगा और सेवनटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी दूसरा और एटीन थाउजेंड फाइनल और अल्टीमेट हमारा तीसरा टारगेट प्राइस बन जाएगा तो ऐसे हम इन सारे टारगेट प्राइस के लिए आज हम जा सकते हैं एटीन थाउजेंड से ऊपर नहीं जाना यही हमारा फाइनल टारगेट प्राइस होगा अब देखिए अब यहाँ पे हमने एटीन थाउजेंड अब यहां पे हमने 17,850 के ऊपर ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया और हमारा स्टॉप लॉस यहां पे क्या होगा तो देखिए दो स्टॉप लॉस हो सकता है सबसे पहले प्राइस आपका ऊपर नीचे किया और प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहां पे हमारे लिए क्या काम किया सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखा है ये आपका एक क्रूशल सपोर्ट लेवल है बेस्ड ऑन प्रीवियस डे लो जो कि आपका है सेवनटीन के करीब तो आपका जो प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा वो यही पॉइंट पे बनता हुआ दिखेगा तो अगर हम यहाँ पे पहले टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट हमारा फिफ्टी पॉइंट का बन रहा है लेकिन एस एल यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है सेवेंटी पॉइंट का बन रहा है यानी रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है तो हम इस टारगेट इस स्टॉप लॉस के लिए हम नहीं जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है सेवनटीन थाउजेंड एट ट्वेंटी यहाँ पर हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा सिर्फ का कितना पॉइंट का एसल बना है लगभग थर्टी फाइव पॉइंट के करीब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाया और टारगेट प्राइस यहाँ पे फिफ्टी पॉइंट का है अब यहाँ पे भी रिस्क है क्योंकि हम यहीं पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं मार्केट में थोड़ा बहुत भी वॉलिडिलिटी है या स्पाइक दिखाया तो आपका एस एल हिट हो सकता है तो ये जो ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए ये ट्रेड है अब यहाँ पे हम रिस्क क्यों लेंगे रिस्क लेने के पीछे का भी वैलिड रीजन होना चाहिए तभी हम रिस्क लेंगे ऐसे ही हम रिस्क नहीं ले सकते नॉर्मल ट्रेड में तो सबसे पहले प्रीवियस डे के लोगों को इसने सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया उसके बाद सेवेंटीन का जो लेवल है उसको अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन के बेसिस पे वो लेवल भी आपका एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है तो बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन और प्रीवियस डे लो हमने क्या आइडेंटिफाई किया सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया और यहां पे एक नहीं दो सपोर्ट लेवल को हमने बेसिस लेके हम फिर यहां पे रिस्क लेने को तैयार है यानी यहां पे हम इसको क्लियर करते हैं तो सबसे पहला प्रीवियस डे लो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है फिर सेवेंटीन जो हमारा ऑप्शन चेन के बेसिस पे है ये भी हमारे लिए क्या काम कर रहा सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा तो इन दोनों को पॉइंट में रखते हुए हम यहाँ पे सेवेंटीन थाउजेंड एट ट्वेंटी का एस एल रख के और हम इस रिस्की ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये रिस्की वाला ट्रेड लिया अब अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना उसके लिए हमें थोड़ा सा अभी वेट करने की जरूरत है क्योंकि जो सेफ ट्रेड लेना उसके लिए हमारा एक लेवल बनता है सेवनटीन अगर इसके ऊपर प्राइस निकला तो हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा जो एसएल बनेगा सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी का एसएल बनता हुआ दिख जाएगा और फिर यहाँ पे हम वही टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे जो बचा रहेगा सेवनटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी और एटीन थाउजेंड के ग्रेजुअल टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम जा सकते हैं यही सब हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा तो देखिए हमने किस सिस्टमैटिक तरीके से रिस्क लिया और रिस्क लेने के पीछे का अभी रीजन हमारे पास होना जरूरी है और मार्केट अभी आपका सेवनटीन थाउजेंड एट एटी के करीब ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे हम जल्दबाजी में मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे तो नाइन हंड्रेड के ऊपर ही एंट्री लेंगे या नहीं तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे साइड की तरफ आता है अब सत्रह आठ सौ हमारे लिए क्या है एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है तो हो सकता है प्राइस यहां से रिवर्सल ले इसको ब्रेक करके नीचे जाए तो हम यहां पे एक ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार कर सकते हैं या नहीं तो प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट है ये भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पे आने के बाद भी सेम चीज हो सकता है यहाँ से रिवर्सल या फिर ब्रेक करेगा तो इन्हीं दोनों लेवल के आसपास हम नीचे में ट्रेड लेंगे उसके बीच में हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेंगे या नहीं तो ऊपर में सत्रह नौ सौ तो अब यहाँ पे हमें पेशेंसली इंतजार करने की जरूरत है क्योंकि मार्केट आपको पेशेंस के लिए भी रिवॉर्ड करता है हम ऐसे किसी भी लेवल्स पे इंट्री नहीं करेंगे अब देखिए मार्केट हमारे लेवल के करीब आ गया हम यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और जैसे सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप ले लेंगे और ये जो आपका लेवल है इनिशियली इनिशियलीस के रूप में अभी भी काम कर रहा है लेकिन ये ब्रेक होने के चांसेस है जिसका आइडिया हमें ऑप्शन चेन से भी मिलता हुआ दिख रहा तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों की मदद से हम ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार करते हुए जा रहे हैं और ऐसे ही अगर आप ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे ऑप्शन चेन की मदद लेते हुए तो वो ट्रेड काफी हद तक एक्यूरेट साबित हो सकता है अब देखिए नाइन हंड्रेड के लेवल को ब्रेक करने में इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग रहा लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगा तो ये ब्रेक करेगा अगर नहीं ब्रेक करता है ऐसा ही लॉन्ग टेल एट द तो टॉप वाला कैंडल बना दिया तो हमें कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये नाइन हंड्रेड के लेवल को ब्रेक करने वाला नहीं है तो अब यहाँ पर एक और ट्रेड हम ले सकते हैं सेवेंटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड अभी तक हमारे लिए रिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है तो प्राइस क्या कर सकता है रिस्टेंस लेवल से रिवर्सल भी ले सकता अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं किया नीचे गया तो हम सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड के टारगेट प्राइस को रखते हुए हम क्या कर सकते हैं सेल साइड की तरफ भी ट्रेड ले सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा यानी तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी हम साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं तो दोनों तरफ का ट्रेड यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल है तो हम किसी प्रीडेटेड मूव के लिए नहीं जाएंगे और यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ सत्रह नौ सौ के ऊपर हमें ट्रेड लेना क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है अभी क्या है अगर हम मार्केट के सेंटिमेंट की बात करें तो अभी भी सेंटिमेंट आपका निगेटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है और यहाँ पे हम कौन सा ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे हम ट्वेड ले रहे हैं बाई साइड वाला यानी यहाँ पे हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्वेड ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी की जरूरत होगी और यहाँ पे जो भी हम ट्वेड लिए थे वो रिस्की ट्रेडिंग वाला सारा कुछ सेटअप था और जो लोग रिस्क लेते हैं उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है तो इसलिए वो रिस्की ट्रेडिंग वाला सेटअप था यहां पे हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं अब देखिए 17,900 के ऊपर निकलते ही क्योंकि हम ऑप्शन चेन में देखें कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है तो यहाँ पे हम सेवेंटीन थाउजेंड के करीब मार्केट में क्लियर कट हम एंट्री ले, ले लेंगे और अब हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका है एस एल सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी का बनाए और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो 17,950 और 18,000 का टारगेट एक्टिव हो गया है अब ये ट्रेड काफी हद तक सेफ है लेकिन अब आप लोग पूछ रहे होंगे जो रिस्की ट्रेड है जिन लोगों ने ट्रेड लिया अब उनको क्या करें अब उनको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है अब उनको भी ये रिस्की ट्रेडिंग से सेफ साइड की तरफ एंट्री लेना कैसे उनका स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके सेवेंटीन थाउजेंड एट फिफ्टी पे रखना है यानी जहाँ पे उनका एंट्री पॉइंट है जहाँ पे उसका बाइंग पॉइंट है वही हमारा एस एल बनेगा यानी अब वो क्या कर रहे हैं अब वो लॉसेस को अवॉइड करें यानी उनको किसी भी कंडीशंस में लॉस नहीं हो सकता है अल्टीमेटली प्राइस नीचे आएगा तो उनका फिगर करेगा और जिस पॉइंट पे बाई किए वही एक्सेल है यानी वहां पे ज़्यादा कुछ नुकसान उनको नहीं होगा थोड़ा बहुत जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा वही उनको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत होगी तो उसको हम नेग्लिजेबल मानते हैं तो देखिए हमने स्टार्टिंग में रिस्क लिया था अब यहाँ पे जिनका सेफ ट्रेड है उनके मुकाबले आपका ज़्यादा सेफ्टी वाला ट्रेड बन गया क्योंकि हमने पहले रिस्क लेके एंट्री लिया था तो जो लोग पहले रिस्क लेते हैं उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड भी मिलता है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक जगह रिस्की वाला ही ट्रेड लेना है रिस्की वाला ट्रेड का मतलब है कि कई बार वो नुकसान में ही जाते हैं और अगर आपका एस हिट होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं अदरवाइज आप विस्की ट्रेडिंग वाला ट्रेड मत लीजिए क्योंकि हम अगेंस्ट द सेंटीमेंट भी जा रहे हैं और अगर आपको रिस्की ट्रेड लेना है तो सेंटिमेंट के साथ जाते हुए आप ले सकते हैं बाकी यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं कि मार्केट में कैसा मोमेंटम आता है और थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं अब यहाँ पे फिर से आ गए और टाइम आप देख सकते हैं टाइम जो हो रहा है आपका नाइन फिफ्टी के करीब यहाँ पे हमारा टाइम देखने को मिल रहा है अब देखिए मार्केट क्या किया जो हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस था है उसको यहाँ पे हिट कर दिया देख सकते हैं नाइन फिफ्टी से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया और वापस से फिर से प्राइस आपका नाइन फिफ्टी के करीब आता हुआ हमें देखने को मिला लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक आपका न्यूट्रल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया कब सेवेंटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी के करीब जो कि आपका छोटा सा एक हर्डल या फिर बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद दूसरा आपका ये भी आपका लॉन्ग लेग डोजी कैंडल जैसा फॉर्मेशन किया बॉडी थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन डोजी कैंडल है यानी अगर हम इस दो कैंडल में देखें तो हमें क्या देखने को मिला लॉन्ग टेल एट द टॉप देखने को मिला है जो कि हमें काफ़ी हद तक क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो हमें कमजोर दिख रहे हैं लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है अगर ये क्लोजिंग आपका हाई के करीब देता ये है ये फॉर्म हो रहा है ये आपका अगर 950 से ऊपर या फिर 955 के आसपास क्लोजिंग दे देता है इसका मतलब क्या होगा कि अभी भी बायर्स में स्ट्रेंथ बना हुआ अभी भी बायर्स स्ट्रांग है लेकिन अगर इसका क्लोजिंग आपका एनी हाउ नाइन फिफ्टी के नीचे होता है तो फिर भी यहां पे भी हमें क्या देखने मिलेगा इसी तरीके का टेल देखने को मिलेगा फिर यहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बायर्स में वीकनेस जरूर आया बायर्स थोड़े बहुत अपना स्ट्रेंथ लूज किए हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम फॉर द सेफ्टी पर्पज अपने ट्रेड से यहीं पर हम एग्जिट कर जाएंगे हमें यहाँ पे फोर्टी फिफ्टी पॉइंट का जो भी प्रॉफिट मिलता हुआ देखिएगा वो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे अब देखिए मार्केट अभी भी ये कैंडल क्लोजिंग होने में अभी भी लगभग दो मिनट तीन मिनट के आसपास का टाइम बचा हुआ है लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है ऊपर में हमें टेल देखने को मिल रहा है यानी बायर्स में स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रहा और ये जो आपका लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है इसके ऊपर प्राइस जाता हुआ नहीं दिख रहा है दैट मीन्स टू बायर्स यहाँ पे काफ़ी हद तक हमें कमजोर दिख रहे हैं लेकिन हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा तो यहाँ पे हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे लेकिन अगर हमें बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आता है तो जो भी लेवल हो सेवनटीन थाउजेंड नाइन फोर्टी के करीब भी हम चाहो तो एग्जिट कर सकते नहीं तो सेवनटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी के करीब भी हम एग्जिट कर सकते हैं तो जब भी मार्केट में आपको इस तरीके का फियर जनरेट हो या फिर कैंडल्स में हमें कमजोरी देखने को मिल जाए जिस तरफ हम जा रहे हैं तो आपको सिंपली एग्जिट करने की जरूरत है क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट में है जिन लोगों ने सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के लेवल पर एंट्री किया वो यहां पे है वो यहाँ पे लगभग कितने हैं फोर्टी से फिफ्टी पॉइंट के प्रॉफिट में है और जिन लोगों ने सेवेंटीन थाउजेंड एट फिफ्टी के लेवल पे इंट्री किया वो लोग यहाँ पे लगभग हंड्रेड पॉइंट के प्रॉफिट में है और यहाँ पे हम ऑप्शन में भी ग्रेजुअली ट्रेड ले सकते हैं देखिए इस तरह का कैंडल अगर बनता है तो खतरनाक है क्योंकि आपका ग्रेव स्टोन डू कैंडल बनता हुआ दिख रहा है अगर इस प्राइस के आसपास क्लोजिंग देता है नाइन फोर्टी के करीब तो तो उसके बाद हम इंस्टेंटली मार्केट से एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे हम आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं कि जब भी आपको मार्केट में फियर लगे डर लगे तो मार्केट में एग्जिट कर सकते हो और इन द मीन टाइम आप यहाँ पे ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे टारगेट के लिए जा रहे हैं तो अगर हम सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी के लेवल पे बाई कर रहे थे फ्यूचर्स में तो ऑप्शंस में आप यहाँ पे स्लाइटली इन द मनी सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड के कॉल ऑप्शन को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं या नहीं तो आपके पास कम पैसे हैं तो आप एट द मनी सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी के कॉल ऑप्शन को भी बाई कर सकते हैं इससे ऊपर हमें नहीं जाना है और अगर आप सेवेंटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के लेवल पर इंट्री करें तो यही वाला कॉल ऑप्शन बाई करके यहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाता है अब मार्केट क्लोजिंग के टाइम में कैंडल क्लोजिंग के टाइम में क्या है सिर्फ एक मिनट से भी कम का टाइम बच गया है और ये आपका ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल जैसा बनता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे हमें मार्केट में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल रहा है और उस कमजोरी को देखते हुए हम चाहे तो इसी पॉइंट के आसपास मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ और आप गौर कर सकते हैं कि मार्केट में हमें एक कमजोरी तो देखने को मिल रहा है लेकिन ये कमजोरी कौन सा है इस कमजोरी के बेसिस पे हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे अब आपको ये गलत फहमी नहीं रखना है कि हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे ये कमजोरी सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो कमजोर हुए हैं सेलर्स स्ट्रांग हुए उसका इंडिकेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे ये यह हमें नहीं बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स काफी हद तक स्ट्रांग हो गए सेलर्स का एक्टिवनेस का पता चल रहा है स्ट्रांगनेस का पता नहीं चल रहा तो हमें यहाँ पे

जो लोग यहाँ पे सेवेंटीन थाउजेंड एट फिफ्टी के लेवल पे बाई किए होंगे उनको लगभग फोर्टी टू फिफ्टी पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शन में जरूर मिला होगा बाकी फ्यूचर्स में सौ पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा होगा सौ पॉइंट से नब्बे पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा हुआ। तो देख सकते हैं ऐसे ही हमें सिस्टमेटिक ट्रेड लेना है हमें रिस्क कब लेना है रिस्क लेने के पीछे का वैलिड रीजन पता होना चाहिए हमें दो चीज़ है ऑप्शन चेन और प्रीवियस डे लो बता रहा था कि आप रिस्क के लिए जा सकते हैं और वहां से रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा और फॉर द सेफ्टी पर्पज यहाँ पे हमने एंट्री लिया और जैसे ही मार्केट में कमजोरी दिखा तो हमने क्या किया प्रॉफिट बुक किया तो आपके पास ये भी पता होना चाहिए ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कब हमें प्रॉफिट बुक करना है और कब हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है और मैक्सिमम लोग यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं यहीं पर वो अपने ट्रेड में बने रहते हैं और प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा ट्रेलिंग एक्सएल का भी इस्तेमाल करना होगा जैसे जो लोग सेवनटीन के लेवल हंड्रेड एंट्री किए या फिर नाइन करीब आ गया तो यहाँ पे आप सेवेंटीन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी फाइव या फिर नाइन ट्वेंटी के आसपास अपना ट्रेलिंग ऐसा रख सकते हैं यानी यहाँ पे हम ट्वेंटी फाइव पॉइंट अपना रिस्क पे डाल रहे हैं और ट्वेंटी फाइव पॉइंट का प्रॉफिट हम सिक्योर करें और जो लोग पहले एंट्री लिए हैं वो यहाँ पे क्या करें उनके पास तो सिर्फ ट्वेंटी फाइव पॉइंट का वो प्रॉफिट रिस्क पे डाल रहे हैं जबकि उनके पास सेवेंटी फाइव पॉइंट का प्रॉफिट वो लगभग सिक्योर कर ही चुके हैं तो ऐसे ही आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके रिस्क लेने की जरूरत है बाकी अब इसके बाद मार्केट कहीं पर भी एंट्री करे हमें उससे कोई मतलब नहीं है कितना भी ऊपर या नीचे हमें मतलब नहीं है अब अगर मार्केट ज्यादा कोई डायरेक्शन दिखाता है तो हम यहां पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अब हमें फ्रेश एंट्री कब लेना है अगला हॉर्डल कहां पे है 18,000। थाउजेंड तो एटीन थाउजेंडेंस के रूप में काम कर रहा है यहां पे क्या हो सकता है प्राइस ऐसे रिवर्सल ले सकता है या ब्रेक करके ऊपर जाएगा ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बाईस की तरफ जाएंगे रिवर्सल लिया तो सेल साइड की तरफ जाएंगे तो अगला ट्रेडिंग जो हमें लेना एटीन थाउजेंड करीब लेना नहीं तो सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब सपोर्ट के रूप में काम करा तो यहां पे अगला ट्रेड ले सकते हैं यहां पे क्या हो सकता है ऐसा रिवर्सल तो हम बाईस की तरफ जाएंगे ब्रेक करके नीचे जाएगा तो सेल सैट की तरफ जाएंगे तो इन्हीं दो पॉइंट पर हमें ट्रेडिंग सेटअप लेना आगे का जो भी कुछ होगा उसको देखते हुए हम ट्रेडिंग सेटअप ले सकते हैं इसके बीच में हमें क्या करना ट्रेडिंग एवॉइड करने की जरूरत है तो ऐसे ही आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप लेना बाकी सेकेंड ऑफ जनवरी से हम आपके साथ लाइव मार्केट में बने रहेंगे अभी सबसे पहले हम लाइव मार्केट में क्या करते हैं ट्रेड लेते हैं और उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं फिर वो वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं लेकिन सेकेंड ऑफ फेब से हम लाइव मार्केट में आपके साथ बने रहेंगे जिस टाइम पे हम ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे होंगे सेटअप तैयार कर रहे होंगे उसी टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे यानी लाइव मार्केट में हम साथ में मिलकर ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे सिचुएशन को देखते हुए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सेकेंड ऑफ जेन से हम लाइव मार्केट में आपके साथ रहेंगे मॉर्निंग में लगभग आपका एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार जरूर करेंगे साथ में मिलकर उसके बाद आपको आय का भी इंडिकेशन मिल जाएगा फिर आप आगे ट्रेडिंग ले सकते यानी पूरे मार्केट तो आपके साथ नहीं बने रहेंगे लेकिन फर्स्ट वन आवर टू वन नाइन्टी मिनट हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बने रहे जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम हम आपके साथ बने रहेंगे सो so, उसके लिए एक बार फिर से बोल रहा हम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइव करें आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट के स्ट्रैटेजी को सीख पाएँ सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके इंकरेज कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद